का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेक्शन 67 आईटी एक्ट की। ये सेक्शन 67 आईटी एक्ट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है आज के डे में। अगर आप देखें सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर पब्लिश कर देते हैं कुछ ऐसा मटेरियल या ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं जो कि ऑब्सीन होता है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ भी मटेरियल पब्लिश करना या ट्रांसमिट करना। जैसे आपने देखा कि कुछ लोग बाई हाथ अश्लील से मैसेजेस किसी को सेंड करते हैं, तो वहाँ ऐसे लोगों के खिलाफ जो है आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 67 जो है वो पूरी तरह से कॉग्निजेबल है, यानी कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चीज़ें पब्लिश या ट्रांसमिट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुई होनी चाहिए, तभी जो है आरोपी के खिलाफ जो है आरोप वो बनेगा। तो ऑब्सीन चीज़, अश्लील चीज़ें है क्या, वो भी यहाँ बताए गए इसी सेक्शन में, मतलब कि लशीबियस जो है, जो भी चीज़ जो लस्टफुल है, यानी कि लशीबियस मतलब कि लस्टफुल है, या फिर वो अपील करती है प्रूरियंट इंटरेस्ट को, मतलब कि सेक्सुअल डिज़ायर को जो है वो अट्रैक्ट करती है कोई ऐसी सामग्री है, या फिर वो डिप्रेव या करप्ट कर देती है किसी आदमी को कोई ऐसी सामग्री है, यानी कि भ्रष्ट कर देती है, चरित्रहीन कर देती है। तो इस तरह की अगर कोई भी सामग्री है, और उस सामग्री में कैसी कैसी सामग्री आती है, वो है कि अगर वो पढ़ी जा सकने वाली, अगर कोई मतलब कि टेक्स्ट मैसेज मोबाइल पर दूसरे आदमी को सेंड कर देता है तो ये अपराध हो जाता है, या फिर देखी जा सकने वाली चीज़ है, कोई चित्र ऐसा है, कोई फ़ोटो ऐसी है, ठीक है, या फिर वो आवाज़ है कोई सुनी जा सकने वाली, किसी ने कुछ बोला है या कुछ इस तरह की आवाज़ें हैं, तो वो सारी तीनों चीज़ें ही, यानी कि देखी जा सकने वाली, सुनी जा सकने वाली और पढ़ी जा सकने वाली, तीनों ही चीज़ें अगर कोई किसी को ट्रांसमिट करता है, पब्लिश करता है, तो सेक्शन 67 का अपराध हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, ठीक है जी, और साथ साथ में उसको फाइन भी हो सकता है जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। और वही आरोपी अगर दूसरी बार क्राइम करता है और दूसरी बार उसको कन्विक्शन से दूसरी बार सज़ा होती है, तो जो उसकी कैद की इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा है वो 5 साल तक की हो सकती है, और साथ में जो फाइन है वो भी 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो इस तरह के अपराध तो आए दिन होते हैं, तो इसमें मतलब कि एक दूसरे को लोग बहुत ज़्यादा सेंड करते हैं इस तरह के मैसेजेस, तो वो लोग ज़रूर संभल के रहें कि उनके खिलाफ़ कभी भी जो है कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है। सेकंड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 67A, ठीक है, सेक्शन 67A जो है वो 67 से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कुछ एक्ट या कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है जी, मतलब कि जो स्पष्ट रूप पर कुछ सेक्सुअल एक्ट है यहाँ, जहाँ पर जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह का एक्ट पब्लिक में ना किया जाए, ठीक है जी, अगर इस तरह का कोई एक्ट जो सेक्सुअल स्पष्ट रूप से है उसे अगर कोई ट्रांसमिट करता है, ठीक है जी, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। स्पष्ट तौर पर सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट का मतलब है किसी का MMS जैसे बना है, ठीक है जी, सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है कोई लोग, वो किसी का MMS बन गया और उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर कोई इस तरह से ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है फर्स्ट टाइम पर अगर उसको कन्विक्शन होती है तो 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है, और उसके साथ साथ उसको फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए तक का, ठीक है जी। और यही आदमी अगर दूसरी बार भी ऑफेंस करता है, यही अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो सज़ा हो सकती है वो 7 साल तक की हो सकती है, और साथ में जो फाइन है वो भी 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। तो अश्लीलता के संबंध में जो यहाँ पर सेक्शंस हैं, इनके अलावा आपका सेक्शन 66E जो है आईटी एक्ट की, ये भी अट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है जी। सेक्शन जो आपकी 67B है वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकती है। 67B भी बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर जो है बच्चों के संबंध में ऑफेंस बताए गए हैं कि अगर बच्चों के संबंध में कोई भी सेक्सुअल जो मटेरियल है, वो टेक्स्ट है चाहे किस तरह से कुछ भी है, वो चीज़ें अलग से मैंने डिस्कस की है सेक्शन 67B, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई बुक है या पैम्फलेट है या पेपर है, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग है, ठीक है, जो कि साइंस की वजह से वो चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑब्सीन है, ठीक है,
साइंस लिटरेचर या लर्निंग के पर्पज़ से ये चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेंगी। इसी तरह से रिलीजियस पर्पज़ के लिए कोई बोनाफाइड इंटेंशन से कोई चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड हैं। जैसे आप खजुराहो के मंदिर में देखेंगे कि वहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स हैं इस तरह से, तो वो सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं। इसी तरह साइंस की बुक्स में आप कुछ चीज़ें देखेंगे, लिटरेचर में कुछ चीज़ें देखेंगे तो वो सारी एग्जेम्प्टेड रहेंगी। वहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि उनके वो चीज़ें बंद हों, उनके अगेंस्ट भी आप FIR करवाने के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।